झारखंड में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले फेज की 43 सीटों पर जबरदस्त खमासान है। तो वहीं वायनाड में आज प्रियंका गांधी का बड़ा इम्तिहान है। वायनाड के अलावा आज 10 राज्यों की 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। कौन कहां पर भारी है, कहां कांटे की फाइट है, किसकी हवा टाइट है, एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात आइए झारखंड की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं हेमंत सोरेन की साख दांव पर लगी हुई है। झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर पिछले 5.5 घंटे से वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन लगी है। ईवीएम का बटन दबाते वक्त वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कितना हावी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले झारखंड चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपके सामने रख देती हूं। झारखंड की 43 सीटों पर अब तक 33% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। सिमडेगा और लोहरदगा में 38% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। वहीं रांची में 28 और कोडरमा में 35% वोट पड़ चुके हैं, जबकि हजारीबाग में 33%, खूंटी में 38% वोटिंग, पूर्वी सिंहभूम में 32%, वेस्ट सिंहभूम में 33%, लातेहार में 34% और पलामू में 32% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं रामगढ़ में 28%, सरायकेला खरसावा में 36% और चतरा में 33%, गढ़वा में 34% और गुमला में करीब 37% वोट डाले जा चुके हैं। 5 घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए, और मतदान शुरू होने के बाद लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है, जिसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब चंपई सोरेन जेएमएम की जगह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बहू पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्वी सीट से किस्मत आजमा रही हैं। तो झारखंड में वोटिंग के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा दावा किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि इस बार बीजेपी कोल्हान की 14 में से 14 सीटें जीतेगी, चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत होगी। सीएम बनने के सवाल पर चंपई ने कहा कि पार्टी चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपई ने कहा कि झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे मुक्त कराना है। हमारे साथ चंपई सोरेन जी हैं। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, और कोल्हान रीजन 2019 के चुनाव में सोरेन साहब कोल्हान रीजन पूरा जेएमएम को गया था। बड़ा एक उस जीत में एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी इस कोल्हान रीजन की थी, पूरा रीजन स्वीप किया था। इस बार क्या बदलाव होगा, पूरा भाजपा के पक्ष में है इस बार, 14 की 14 सीटें भाजपा के पक्ष में है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है जो बीजेपी के लिए होता है, क्या बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों के लिए काम करेगा? निश्चित बांग्लादेश से घुसपैठ बहाली को रोक दिया गया है, बेरोजगार रोजगार की बात नहीं की है ना, आदिवासी अस्मिता की बात लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना है, आपको लगता है इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ेगा और फायदा हो सकता है? देखिए, सांताल प्रणधारती सिद्धू का निधारती बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ का आदिवासी के व्यवस्था को चरमरा दिया, और वहाँ आदिवासी के जमीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर दिया, एक एक टू गाँव मिटते गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जो ब्रिटिश सरकार ने 1855 में हमारा भी पूर्वजों ने लड़ाई किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूना जानो, और उस संताल परगना को नामकरण करके गया है, संताल परगना कायस्करी अधिनियम है ना, उसी धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ गया है, वहाँ का आदिवासी का संख्या घट गया, उससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। चले मैया सम्मान योजना आधा अधूरा है। आप बुढ़ा माँ बाप को रोला के मैया सोना योजना, अरे रनिंग आप जो योजना उसको बंद कर दिया, अब बुढ़ा माँ बाप का आपने आंसू गिरा दिया, ये किस तरह का शासन है, किस तरह से व्यवस्था है। चले थैंक यू। एनडीए की सरकार आई तो क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकते? ये तो दल की बात है, सबसे बड़ा दल में हम है, वो दल किसको क्या दायित्व देंगे, पर आप चाहते हैं, आपको लगता है आप सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो? दल के ऊपर में हम भरोसा है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, तो कह रहे हैं दल के ऊपर हमें भरोसा है।
इस बीच झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया। योगी और मोदी के नारे को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के बुधनी उपचुनाव में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने इंडिया टीवी से कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड का अस्तित्व खतरे में है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनके आधार कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए गए हैं, घुसपैठियों के घरों पर जेएमएम के झंडे लहरा रहे हैं। झारखंड के आप प्रभारी भी हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं झारखंड में जिसे लेकर आप गए, जिसके लेकर बातचीत? झारखंड में वहां का कुशासन, विकास ठप हो गया, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, ऐसा नंगा भ्रष्टाचार मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। नेताओं के घर से 350-350 करोड़ रुपए एक एक के घर से बरामद हो रहे हैं। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोटी बेटी और माटी तीनों संकट में है। इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनको बसाती है, आधार कार्ड बनाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखाती है, राशन कार्ड बनाती है, सारे घुसपैठियों के घर जेएमएम के झंडे लहरा रहे हैं। जनता ने तय किया है कि अगर झारखंड को बचाना है तो ये अंतिम मौका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, मोदी जी के साथ लोग। राहुल गांधी आदि ट्वीट कर रहे हैं, साथ गारंटी भी दे रहे हैं कि इंडिया को वोट करेंगे तो संविधान की रक्षा होगी। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, उनके कहने की गारंटी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ आरक्षण की बात करते हैं, विदेश में जाते तो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कौन राहुल गांधी की गारंटी पे, कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा करे? बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रही झारखंड में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इनने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 300 भी रोजगार नहीं मिले ढंग से, और इसलिए झारखंड का युवा आक्रोशित है। पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उसको और उद्वेलित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण में एक प्रण किया है, 2,87,000 सरकारी पद भरने का, 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का। तो लोग भाजपा के साथ, युवा भी भाजपा के साथ। अब जब भी शिवराज सिंह चौहान की बात आती है तो लाडली बहना का जिक्र जरूर आता है। गेम चेंजर योजना मध्य प्रदेश में भी रही, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या बात करें छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी लाडली बहना जो है इम्पैक्ट दिखा रही है। लाडली बहना जो आपने 2100 रुपये की बात कही, गोगो दीदी योजना के नाम से झारखंड ने बनाई, लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी पर विश्वास करते हैं। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, तो विश्वास मोदी जी पर है, विश्वास भाजपा पर है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ खड़ी, बहनें भी हमारे साथ। कांग्रेस कई जगह कॉपी करती है लगता है सर। वो नकल का ढोंग करते हैं, नकल भी नहीं करते, एक आध महीना दे दो और वोट ले लो, और इसलिए लोग उन पर विश्वास नहीं करते। बात आ रही है लगातार, हमने देखा हरियाणा चुनाव से शुरू हुआ, बटोगे तो कटोगे, ये एक पूरा कैंपेन एक तरीके से पूरा चल गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा एक रहोगे तो एक रहोगे, कैसे देखते हैं इसे, क्या है ये? नहीं, बटना क्यों चाहिए, एक रहना चाहिए सबको, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बात सच है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बिखरेंगे तो बर्बाद होंगे, और इसलिए सब एक रहें। कांग्रेस बांटने की बात करती है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को बांटा, और अब राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं, जात में पात में। भाजपा का कहना पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। आखिरी सवाल हो जाता है, डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनने जा रही? निश्चित तौर पर, 2/3 बहुमत से। और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में भी हमारे महायुति की सरकार बन रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज इनका साफ तौर पर मानना है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरा मैन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, जैत बुद्धनी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वोट डाला, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन ने वोट डाला। राज्य के हर एक नागरिक से वोट डालने की अपील हेमंत सोरेन की तरफ से की गई। वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करें, यह अपील हेमंत सोरेन की तरफ से की गई है। वो अपनी पत्नी के साथ रांची में वोट डालने के लिए पहुंचे। राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और
जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। वहीं रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार महुआ मांझी भी वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची। मतदान के बाद महुआ मांझी ने चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया है। देखिए, जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊंगी, तो उनके लिए इतना काम करूंगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्होंने उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर, उनके लिए जितना काम किया है उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। तो नेता अपने अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता के दिल में क्या है, आज किन मुद्दों को लेकर जनता अपने घर से बाहर निकल रही है, मतदान केंद्र पर पहुंच रही है, समझने के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा के पास। नीतीश, सबसे बड़ा मुद्दा क्या महसूस कर पा रहे हैं वोटर्स से बात करके आप? देखिए, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, और जहां वोटरों से जब मैंने बात की तो अलग अलग मुद्दे हैं, और जाहिर है बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है ये राजधानी क्षेत्र है, बावजूद यहां ये मुद्दा नज़र आ रहा है। तो बीजेपी ने जो कोशिश की थी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को इस बार रखने की, तो उसमें कुछ हद तक कामयाब होती दिख रही है बीजेपी। दूसरी तरफ जो JMM की तरफ से जो आदिवासी अस्मिता की बात हो, या फिर जो सरकारी योजनाएँ जो उन्होंने शुरू की, खासतौर से जो लाभार्थी तबके के लिए जो योजनाएँ शुरू की, उसको काफी जोर शोर से उन्होंने रखा, और जाहिर है उसका भी असर है। इसके अलावा यदि राजनीतिक बदलाव की बात करें, तो पिछली बार आजसू से बीजेपी का गठबंधन नहीं था 2019 में, इस वजह से करीब आधा दर्जन सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को, तो इस बार आजसू से गठबंधन होना ये बीजेपी के पक्ष में बात जाती है। दूसरी तरफ JMM के परिवार में, कहें हेमंत सोरेन के परिवार में जिस तरह से सेंधमारी हुई, सीता सोरेन उनसे अलग हुई, फिर बाद में चंपई सोरेन जो कोल्हान के एक बड़े नेता माने जाते हैं वो उनसे अलग हुए, तो ये तमाम जो परिस्थिति इस बार नई जुड़ी है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को इससे उम्मीदें हैं। और खासतौर से जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो इस बार काफी अहम होगा हेमंत सोरेन के लिए, 30 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन यदि अच्छा नहीं रहा तो JMM का प्रदर्शन बेहतर होते हुए भी कोई बहुत फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं होगा। यहां पर जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां थोड़ी देर में महेंद्र सिंह धोनी आएंगे जो कि चुनाव आयोग ने जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और यहीं पर जब वोट डालने आएंगे तो काफ़ी संख्या में यहाँ वोटर भी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सर, इस बार क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके मन में? हमारे मन में क्या होगा, बस सरकार अच्छी बने। कैसा रहा 5 साल, काम हुआ? 5 साल तो काम हुआ ही है। ये बताइए कि 5 सालों में युवा कैसे देखता है? पाँच सालों में युवा अभी देख रहा है कि बढ़ते जा रहा है जनरेशन। ठीक है नीतीश, अब युवाओं की बात